हेलो गाइस। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो लाइनें मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर गलती होती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। पहली बार ये यूट्यूब चैनल शुरू करा है और सारा ध्यान कैमरे की तरफ जाने की वजह से कुछ मेरे से कैलकुलेशन एरर्स हुई हैं। फिजिक्स के दो लेक्चर हैं और केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, तो मैं ये वीडियो सिर्फ छोटा सा बनाऊंगा और वो जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। पहले मैं उनसे बात करता हूं जो मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, और सबसे पहला जो लेक्चर है उसका मैंने लिंक इस आई बटन में डाल दिया है, उसमें है। दैट इज चैप्टर नंबर वन का जो लेक्चर नंबर फाइव है उसका पार्ट फोर है। तो उसमें एट 10:44 टाइमिंग देख लीजिएगा, एट 10:44 पर यह है कि कोई भी चार्ज, कोई भी मेटेलिक सरफेस होती है ना, मेटेलिक चार्ज्ड सरफेस, जैसे सपोज करो आपने ये भी ले लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर, जिसको आप चेंज करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है ना। एक शीट जो हमने ये रखी थी ये नॉन कंडक्टिंग थी है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये मेटल होती तो इसका भी आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता। तो पहली मिस्टेक्स मेरे से यहां हुई थी। और दूसरी मिस्टेक की बात करूं तो उसी वीडियो में एट 1948 टाइम इतना था, 1948 पर मैं आपको एक डेरिवेशन करा रहा था कि चार्ज्ड रिंग के कारण, और इस पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो उसमें हमारे पास, मैंने जब ई नेट निकाला था इसके कंपोनेंट करके, तो वो आया था KQX अपॉन R³। और R की वैल्यू हमें रखनी थी, ये X था, ये कैपिटल R था। तो R की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आ रही थी वो है R² + X² की पावर 1/2। तो ये R वहां रख देंगे तो ये हो जाएगा 2KQX अपॉन R की वैल्यू रखिए, R² + X² पावर है 1/2, इसकी पावर क्यूब है, तो ये मिलकर के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कमेंट सेक्शन में मैंने इसको बता दिया है। और एक इस लेक्चर में मिस्टेक हुई थी 25.04 टाइम पर। ठीक है, उसमें मैं न्यूमेरिकल करा रहा था आपको 25.04 पर, तो उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था कि प्लस क्यू और माइनस फोर क्यू के कारण एक ऐसा पॉइंट आपको तलाश करना था जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और हमने ये पता कर लिया था वो यहां से एक्स डिस्टेंस पर होगा। जब हमने इसके मैग्नीट्यूड बराबर करे थे तो हमारे पास एक आया था KQ अपॉन, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड X², और अगर ये डिस्टेंस मैंने 100 सेंटीमीटर माना था तो इससे डिस्टेंस हो जाएगा K4Q अपॉन 100 + X² होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करा था तो मैंने गलती से 100/3 लिख दिया था, वो नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का रूट करेंगे तो 1 अपॉन X हो जाएगा, 4 की जगह 2 100 + X। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 + X 2X। ठीक है, अब कई बच्चों को दिक्कत आई कि सर जब आपने 4 का रूट लिया है तो आपने -2 क्यों नहीं लिया, उसकी वजह से x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती जब इधर की तरफ आती, और इधर की तरफ ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिला जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाए, इसीलिए हमें पॉजिटिव लेना है। फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा X = 100 सेंटीमीटर, एंड देट विल बी योर आंसर कि छोटे वाले चार्ज के पास लेफ्ट की तरफ 100 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। तो ये तीन मिस्टेक हमारे पास उस वीडियो में हुई थी। और अगली मिस्टेक जो है हमारे पास, वो वीडियो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1, उसका लिंक मैंने यहां पर आई बटन में दे दिया है। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात बताई थी कि प्लस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन R² ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल आएगा KQ, यहां भी मैं R² लिख गया था जबकि वो R होगा। और अगर -Q के कारण किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो बेटा इधर आ जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, तो ये मैं लिख दूंगा -KQ अपॉन R²
ठीक है, माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, इसको आप यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है, बट पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव, माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये मेरे से मिस्टेक हुई थी 25, इसका टाइमिंग है 20.52 पर, इस टाइम पर आपका ये मैंने यहां पर स्क्वायर कर दिया था जो आपको हटा लेना है। ठीक है, ध्यान से करके चलिए। एक इस लेक्चर में मेरे से छोटी सी मिस्टेक लिखते समय हो गई, वो थी 26.01 पर, उसमें मैं न्यूमेरिकल करा रहा था, देखेंगे आप, तो मैंने यहां पर करा था कि ये 2e है और ये 2e है और ये एंगल मेरा 90 था, मैं सो गलती से 45 लिख गया, बस इतना सा है, तो उस 45 को काट करके 90 कर लेना, फिर बाकी इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ 2e, तो वो मैंने आगे उसको प्रोसीड सही करा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात फिजिक्स में यहां तक ही थोड़ा सा फोकस नहीं रहा, और केमिस्ट्री का अगर कोई लेक्चर फॉलो कर रहा है तो वो है लेक्चर जो मैंने यहां आई बटन में दे रखा है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट यहां दे दिया, ठीक है ओके। उसमें हमने याद करा था कि एक क्वेश्चन कर रहे थे हम टॉलिन और बेंजीन वाला, तो उसमें हमने टोटल वेपर प्रेशर निकालना था, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया था। ठीक है, हमारे पास सबके डेटा भी थे और हमने डेटा लिख करके पीएस की कैलकुलेशन करी थी, वो मैंने गलती से, कैलकुलेशन गलत थी उसमें, वो आना चाहिए था पीएस आपका आना चाहिए था 0.1579 बार, तो ये आपको चेंज करना है। ठीक है, फिर आगे जब हमने वेपर फेज में कंपोनेंट निकाला था, मोल फ्रैक्शन निकाला था, तो उसमें हमने ये भी करा था कि बेंजीन के लिए वाईबी और पीएस यूज होगा, तो यहां पर जब हम वाईबी निकालेंगे तो पीबी अपॉन पीएस यूज होगा, और पीबी आपने आपको लिखना था 0.4 जो हमने लिखा भी था 0.256, और यहां पर पीएस की वैल्यू हमने वही वाली डाल दी थी जो हमारी कैलकुलेशन से गलत आई थी, ये सही वैल्यू है, तो इसको जब आप डालेंगे तो 1579 आ जाएगा, और इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.649, ये बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आएगा। और अगर आपको टॉलिन का निकालना है तो इसको 1 माइनस वाई भी कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.649 करेंगे तो टॉलिन का वेपर फेज में आ जाएगा एंड दैट विल बी 0.35। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बस ये छोटी छोटी जो 3 मिस्टेक हुई, और एंड आई विल ट्राई कि आगे से मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं यहां पर हूं, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये, तो जिस रजिस्टर को मैंने फॉलो करा है वो किसी स्टूडेंट का है, उस स्टूडेंट ने थोड़ी सी गलती कर रखी है कैलकुलेशन में, और केमिस्ट्री में ऑन बोर्ड इतनी सारी कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 चीजें आपको करेक्ट करनी है। ठीक है, बाकी मैं आज एक नया लेक्चर अपलोड करता हूँ, बहुत बेसिक है। ओके बेटा, टेक केयर।